सुल्तानपुर में टूट रही है एक माँ बाप की आस। दो साल से गायब अपने बच्चे की तलाश में माता और पिता पुलिस की चौखट पर लगा रहे हैं अपने बच्चे के लिए प्रशासन से गुहार। पीड़ित की नहीं हो रही है कोई सुनवाई। पीड़ित माता पिता पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स से कर चुके हैं अपने बेटे की फरियाद। बेबस माता पिता की नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। पीड़ित दर्द भटकने को हुए मजबूर। कुड़वार के पूरे कालू पाठक गाँव का है मामला। त्रिभुवन पाठक द्वारा इस तथ्य को छुपाकर यहाँ कुलवार थाने में भी एक अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बाद में उसकी विवेचना हरियापुर थाने में ट्रांसफर हुई। हरियापुर थाने से सारे तथ्यों को देखते हुए यहाँ एफआईआर लगाई गई है, क्योंकि विवेचना हुबली थाने से जारी, हुबली जिले के भिंड थाने से जारी है। सुल्तानपुर के चांदा में डीजे बजाकर लौट रहे युवक ब्रिजेश को उसके ही गांव के चार लोगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर किया लहूलुहान। युवक का हाथ टूटा, सिर पर आई गंभीर चोटें। घायल युवक ब्रिजेश ने डायल 100 की पुलिस को किया सूचित। घायल पुलिस ने ब्रिजेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने हालत नाजुक देख घायल ब्रिजेश को जिला अस्पताल रेफर किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शुरू की मामले की जाँच। बाराबंकी में पत्रकार उत्पीड़न को लेकर बाराबंकी के सभी पत्रकारों ने रखा मौन। गांधी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। स्वर्गीय राम सेवक की समाधि पर फूलमाला चढ़ाकर जिलाधिकारी को पत्रकार उत्पीड़न बंद करने के लिए ज्ञापन सौंपा। एक के बाद एक पत्रकारों पर हो रहे हमले इस बात के गवाह हैं, और जो हमारे प्रदेश की सरकार है वो बिल्कुल मौन साधे हुए जो बैठी हुई है। बाराबंकी के रामनगर गांव में दबंगों ने पत्रकार व उसकी पत्नी पर किया जानलेवा हमला। आवाज उठाने पर पीड़ित की 5 साल की बच्ची से दबंगों ने रेप करने की धमकी दी। पीड़ित परिवार की नहीं हो रही है कोई सुनवाई। मेरी बेबी आके इसको भी मारा, मेरी बेटी को उठा ले जा रहे थे, कहीं ज्यादा करो बलात्कार का अंजाम लोगे जौ निकाल देना। सुल्तानपुर के प्रयागीपुर स्थित भारत भूषण पेट्रोल पंप के समीप मिली वृद्ध की लाश। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई। बाराबंकी के सफेदा ग्राम पंचायत दनियालपुर में जल संचय के लिए जिलाधिकारी आदर्श सिंह ने तालाब में किया श्रमदान। जल बचाव के संबंध में ग्रामीणों से बात कर किया लोगों को जागरूक। सुल्तानपुर के प्रयागीपुर स्थित आईटीआई का छात्र सीआरपीएफ जवान का बेटा शैलेश 30 मई को हुआ था लापता। अपने बेटे के लापता होने पर मां ने पुलिस प्रशासन से लगातार लगाई है गुहार। दोस्तों संग पार्टी मनाने के लिए निकला था शैलेश। 4 जून को प्रतापगढ़ में मिली थी लावारिस लाश। लावारिस लाश मिलने पर प्रशासन ने कर दिया था दाह संस्कार। मां ने साथ रह रहे बेटे के दोस्तों पर लगाया है हत्या का आरोप। पीड़ित मां की गुहार नहीं सुन रहा है प्रशासन। दर दर भटकने पर मजबूर हुई मां। 30 तारीख को 10 से 12 के बीच कुछ बच्चे स्वीकार कर रहे हैं कि रात में उसके साथ उस पार्टी में जहाँ पे शादी थी वहाँ पे था, और फिर ये भी कहते हैं कि अचानक वहाँ से गायब हो गए। 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बरौलिया गांव में मृतक प्रधान सुरेंद्र सिंह के घर सांत्वना देने पहुंची स्मृति ईरानी। परिजनों को बंधाया ढांढस, दी सांत्वना, मदद का दिया आश्वासन। परिजनों से अकेले में की मुलाकात। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बरौलिया गांव पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। मृतक प्रधान सुरेंद्र सिंह के परिजनों से की मुलाकात। बोले चुनाव के दौरान एक कार्यकर्ता के रूप में अमेठी में हुई थी मृतक प्रधान से मुलाकात, मदद का दिया आश्वासन। कार्यकर्ता के रूप में इस तरह से संगठन में जो काम करता है, हर वक्त पूरा संगठन उनके साथ में रहता है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे उनके साथ में है, उनके परिवार के साथ में है। अमेठी के तिलोई विधानसभा पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। 30,27,02,000 रुपए की लागत से बने 62 विभिन्न सड़कों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। जिले के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा भी रहे मौजूद। अमेठी के तिलोई पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तिलोई के सुभाष पशुपतिनाथ इंटर कॉलेज में केशव प्रसाद मौर्य के स्वागत में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा व बीजेपी विधायक समेत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सच्चाई वही जो हम बताएं।